फाइनली अनुपम को जो चीज चाहिए था वो चीज उसने हासिल कर लिया है, यानी कि उसने इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन जीत लिया है। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा अनुपमा का, और वही एक तरफ आपको अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली अनुपमा को जो चाहिए था फाइनली उसने हासिल कर लिया है, यानी कि उसने इंटरनेशनल शेफ कॉम्पिटिशन अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, वेल दोस्तों, हुआ कुछ है, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मुझे मिलेगा कि फाइनली आपको पता होगा कि जो हम अनुपमा के साथ कितने सारे एक्सीडेंट हो चुके होते हैं। पहले तो श्रुति को गोली लग जाती है, तो उसके चक्कर से उसका अलग साइड पैनिक स्टार्ट हो जाता है, और फाइनली उसके चक्कर में वो अपना कॉम्पिटिशन के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती है। लेकिन जैसे जैसे करके वो अपने कॉम्पिटिशन के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना स्टार्ट कर जाती है, और फाइनली फिनाले का टाइम आ जाता है। फिनाले का टाइम आने के बाद उससे एक दो दिन पहले आपको पता होगा कि जो आद्या होती है वो अनुपमा की डायरी को फाड़ देती है, और फाड़ी हुई डायरी से वो कुछ देख ही नहीं पाती है, और उसके अंदर पूरी की पूरी चीज़ें रेसिपी वगैरह होती है, पर उसको रेसिपी अच्छे से याद भी नहीं होता है, और फाइनली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा और फाइनली उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे करके फाइनली वो पहुँच जाती है शेफ कॉम्पिटिशन के अंदर, और फाइनली वो बहुत ही अच्छा डिश बनाती है जेरस के लिए, और जेरस को उसका डिश बहुत ही पसंद आता है, और फाइनली बारी आती है विनर अनाउंस करने की, और फाइनली सबसे ज़्यादा जो डिश पसंद आया है वो है अनुपमा का। जी हाँ, अनुपमा का डिश पसंद आया सभी के सभी जेरस को, और फाइनली जेरस ने बोला कि सबसे ज़्यादा हमें डिश पसंद आया है वो है अनुपमा का, और अनुपमा को हम देना चाहते हैं इंटरनेशनल शेफ कॉम्पिटिशन का ट्रॉफी। जी हाँ, वेल अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल इतने सारे मुश्किलों के बाद फाइनली अनुपमा ने जीत लिया है सभी का दिल और ट्रॉफी भी, और मैं आपको बता दूँ इसके बीच ही आद्या को अपनी गलती का एहसास भी होने लग गया, क्योंकि आपको पता होगा कि आद्या ने ही अनुपमा की डायरी फाड़ी थी। इसके बाद आद्या को अपनी गलती का एहसास होने भी लग गया है। वेल अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल आपको क्या लगता है ये आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो, और ऐसी अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय।